हमने HTML से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोर करते हुए हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी कंसीडर किए जिससे हम ये समझ सके कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स वगैरह भी देखे, एंड बाकी भी काफ़ी सारे टैग्स देखे हैं जो अलग अलग चीज़ों में हमारे काम में आ सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है जिन्हें आप अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी भी ज़रूरत है, राइट। बट ना, आप जो HTML से वेबसाइट बनाओगे वो काइंड ऑफ थोड़ी बेसिक बनने वाली है, बट कई सारी वेबसाइट्स जो आप लोग इंटरनेट पर देखते हो उनमें काफ़ी अलग अलग तरह की स्टाइलिंग करी होती है, जैसे फॉन्ट अलग होता है, कलर्स डिफरेंट यूज़ किए होते हैं, लेआउट्स डिफरेंट होते हैं, एंड काफ़ी कुछ होता है, राइट। एंड ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं CSS की मदद से, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की मदद से। तो अब आप HTML तो सीख चुके हो, एंड बड़ी आसानी के साथ में एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने की जर्नी में आप लोग आगे बढ़ करके CSS सीख सकते हो। CSS से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जा करके उसे देख सकते हो, CSS को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके भी बियॉन्ड आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हो। चलो वो तो बहुत आगे की बात हो गई, बट जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन। एंड ज्ञानी पंडित पर आपके लिए और भी कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेस अवेलेबल है जिनके जरिए आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, तो आप उन्हें भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमारा जो HTML का कोर्स है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ में अब HTML का इस्तेमाल कर पाओगे। सो आई विल सी यू इन अ फ्यूचर कोर्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.